नमस्कार ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आइकन्स शेप्स चेंज करें, और साथ में आइकन्स जो है यहाँ पे आप जो आइकन्स के व्हाट्सएप है, हमारा गैलरी है, प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम, इनके जो आइकन्स है ना, इस इनका आप जो है यहाँ पे आप फोटो भी लगा सकते हैं अपना, और देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा भी लगता है। तो आइकन्स कोई से भी होंगे, कोई से भी डिवाइस, मतलब आपके डिवाइस में कोई सा भी आइकन होगा, उनको आप चेंज कर सकते हैं और शेप्स भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये सैमसंग डिवाइस पर ही ये ट्रिक वर्क करेगी, और क्या कंडीशन रहेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आर के न्यूज़ टेक चैनल। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रिक है उन्हीं डिवाइसेस में वर्क करेगी ना जिनके डिवाइस में गुड लॉक एप्लीकेशन वर्क करती है, ठीक है। जिनके डिवाइस में गुड लॉक एप्लीकेशन वर्क नहीं करती है वो इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। और मुझे कमेंट्स भी आएंगे कि भाई मेरे डिवाइस में जो है गुड लॉक एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही, क्या सीन होगा। अगर इसके ऊपर कोई ट्रिक आएगी ना तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि कुछ डिवाइसेस में जो है गुड लॉक एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही है, और खासकर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके डिवाइस में भी गुड लॉक एप्लीकेशन जो है वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम जो गुड लॉक एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर देते हैं। तो गुड लॉक एप्लीकेशन यहाँ पे मेरी ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मेकअप ऑप्शन मिलेगा और साथ में आपको लाइफ अप वाला ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपने मेकअप वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको थीम पर्क का ऑप्शन देखने को मिलता है। थीम पर्क वाले ऑप्शन में आपने क्लिक करना है, फिर थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है जब तक ये ओपन आए। ओपन हो गई, उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। थीम्स का मिलेगा, कीबोर्ड, क्विक पैनल, आइकन, वॉल्यूम पैनल। तो आपने आप आइकन चेंज करें तो आइकन वाले ऑप्शन में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे मैं आइकन वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आइकन शेप्स जो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोई सा राउंड, मतलब कि रेक्टेंगल, कोई भी साइज। अगर इस तरह वाटर ड्रॉप वाला रखना चाहते हैं तो वाटर ड्रॉप वाला रखना चाहते हैं, अगर ये फ्लावर वाला रखना चाहते हैं या फिर ये वाला, तो मुझे वाटर ड्रॉप वाला काफ़ी बढ़िया लगा। फिर उसके बाद आप बोल रहे हैं कि आइकन शेप तो यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम फोटो कैसे लगाएंगे। लग जाएगी भाई, ऊपर आपको थ्री डॉट दिख रहा है, यहाँ पे थ्री डॉट पे हम क्लिक करेंगे, चेंज आइकन्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरह का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे YouTube का आइकन यहाँ पे चेंज कर देते हैं। YouTube पे क्लिक करेंगे, फिर गैलरी वाले ऑप्शन में यहाँ पे जाएंगे। गैलरी के ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ पे कोई फोटो चूज़ करेंगे, ठीक है। हम मान लो कि मैं ये वाली फोटो यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ, ये वाली फ़ोटो मैंने यहाँ पे चूज़ कर ली। तो फोटो चूज़ करते ही यहाँ पे मेरी सेट हो चुकी है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप जो है PNG में, अगर आप PNG नहीं बना पा रहे हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर फोटो की अपने PNG कैसे बनानी है, आप अपने सैमसंग डिवाइस से ही बना सकते हैं यहीं पे गैलरी में जाके। तो यहाँ पे कोई फोटो हम यहाँ पे चूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली फोटो यहाँ पे चूज़ करता हूँ, चूज़ कर ली। उसके बाद यहाँ पे मैं एडिट वाले ऑप्शन में यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे आपको लास्ट में गोला सा दिखेगा, गोले पे जाएंगे, फिर यहाँ पे आपने फोटो अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये देखिए फोटो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, ऑटोमेटिकली आपकी ये सिलेक्ट हो चुकी है। फिर यहाँ पे डन करेंगे ना, डन करते ही आपकी PNG यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। सेव करने के बाद क्या आएगा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आपकी PNG यहाँ पे सेव हो चुकी है, ठीक है। कितनी बढ़िया लग रही, देखो ये आपके सैमसंग फ़ोन में ही क्रिएट हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है आप जाएंगे यहाँ पे दोबारा से, अब आइकन चेंज मैंने उसका कर दिया, लेकिन मैं इंस्टाग्राम का भी आइकन यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। फिर गैलरी में जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। फिर गैलरी में जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटो यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो थोड़ी सी आपकी, मैं यहाँ पे फोटो जो है कि मेरी फोटो मतलब कि सही नहीं आ रही, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे एडिट आइकन्स का ऑप्शन दिखता है ना, एडिट आइकन्स का ऑप्शन, यहाँ पे हम एडिट आइकन्स में जाएंगे। फिर फोटो को आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये वाला फोटो लंबा है तो ये वाला फोटो आप, मैं नहीं रखूँगा इस फोटो को, यहाँ पे हम हटा देते हैं इसको। चलिए तो यहाँ पे हम कोई और फोटो यहाँ पे रखते हैं। चलिए हम गैलरी में जाएंगे, यहाँ पे फोटो चूज़ करते हैं, यहाँ पे कोई सा भी चूज़ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये वाला फोटो यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, चल ठीक है। यहाँ पे कोई चूज़ करते हैं, इसको एडिट करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे आपको एडिट करना है इसको, एडिट का ऑप्शन आ रहा है ना। फिर इसको आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपने बैक आना है, फिर इसको आपने अप्लाई यहाँ पे कर देना है, ठीक है। अप्लाई हो चुका है, फिर हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद जो है ऊपर सेव का ऑप्शन दिख रहा है, आप सेव वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे अपने अपने जो है आइकन्स का कुछ भी नाम यहाँ डाल के इसे यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सेव हो जाएगा। तो देखते रहिए, जैसे मैं सेव करूँगा थोड़ा सा वेट लगा, इंस्टॉलिंग का होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो थीम यहाँ पे सेव हो जाएगी,
ठीक है। फिर यहाँ पे हम थीम वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने का थोड़ा सा वेट करना है आपने, वेट करने का तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आपके आइकन्स जो है यहाँ पे चेंज हो चुके होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूट्यूब का दिखाता हूँ आपको मैं, तो यूट्यूब का आइकन देखते हो यहाँ पे बिल्कुल ही यहाँ पे चेंज हो चुका है, फोटो आ चुका है यूट्यूब की जगह, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह जो आप अपने आइकन्स जो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं किसी भी सैमसंग डिवाइस में। बाकी गुड लॉक एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शेप्स भी चेंज कीजिए और आइकन शेप आइकन का फोटो भी चेंज आप कर सकते हैं।